सो आई वाज अ प्रीटी बॉय सच आई फुड इन लाइफ आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सो गाइस आज का जो हमारा कंटेंट है फूड रिलेटेड है बिकॉज मैंने बहुत दिनों से नहीं डाला था सॉस है ये पाव है फिर इसके अंदर आओगे तो ये शिमला मिर्च काकड़ी टमाटो ये आलू की टिक्की है उसके नीचे भी पाव है सो राइट अभी खाने के बाद देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है इसका जो प्राइस है वो 20 rupees है बाकी ये तो उतरा भी नहीं है टमाटो आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली उसका जो टेस्ट है अच्छा है कोई इतना मतलब अच्छा ही है स्ट्रीट फूड के हिसाब से बेटर है तो मुझे तो अच्छा लगा आपने तो टेस्ट करना तो अभी खाने का हम जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप पे बहुत गाइस हमने 20 रुपए वाला बर्गर से स्टार्ट किया है सो जो बर्गर का टेस्ट था वो बहुत अच्छा था मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये स्ट्रीट पे 20 rupees का बर्गर सो मुझे तो अच्छा लगा और मैंने सब आपको बता दिया उसके अंदर क्या क्या था कैसा कैसा था और जो मेरा रिव्यू है उसके लिए वो अच्छा था एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीट फूड वड़ा पाव से बेटर फाइनली अभी मैं प्रभु आइसक्रीम के मैं अंदर एंट्री कर दिया और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे सब बनता है ये मेरे पीछे पूरी मशीन्स है और ये भाई बना रहे भाई आपका नाम क्या है सो ओके सो अभी भाई बना रहे अभी मैं आपको बता दूँ कि कैसा बनता है क्या कैसा होगा और जो मैंने लिया वो है सैंडविच आइसक्रीम कौन सी है सैंडविच आइसक्रीम गुलकर ओके फ्लेवर कौन सा है ये गुलकर गुलकर और इसके अंदर कौन से फ्लेवर मिलते हैं चॉकलेट वनीला स्ट्रॉबेरी रेड वेलवेट पिस्ता क्रंच बहुत सारे फ्लेवर ओके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो इसका एड्रेस होगा वो मैं प्रॉपर डाल दूंगा बिकॉज इन्होंने इनका विजिटिंग कार्ड दिया है शॉप का तो अभी हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है खाते फिर चेक करते कैसे कैसा नहीं तो फाइनली गाइस हमारी सैंडविच आइसक्रीम आ गई है अभी खाते और जो इसका है ये लाइक ये पूरा आइसक्रीम का है और जो इस पेपर बिस्किट बोलते हैं जो ये ऊपर है सो बाइट लेते हैं देखते हैं कैसा है और इसका जो प्राइस है वो 40 rupees का है और खाते और देखते कैसा हम स्ट्रीट फूड से थोड़ा अलग आ गए थे क्योंकि वहाँ बहुत सारी वेराइटीज की आइसक्रीम मिलती है लाइक सैंडविच आइसक्रीम हो गई पानीपुरी आइसक्रीम हो गई अगर आपको पानीपुरी आइसक्रीम का अगर देखने की वो किया है तो मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो जाके देख लेना और जो आइसक्रीम है मज़ा आ गया खा के अच्छी है थैंक यू अगर ये वीडियो मेरे घर वाले देखेंगे मुझे बहुत गाली देंगे बिकॉज अब भी मेरी सर्दी ठीक हुई है और वापस से मैं ये खा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सी वेराइटीज है आइसक्रीम है लाइक आओ विजिट करो मज़ा आएगा आपको जिसके मैंने नाम भी नहीं सुना था वो सब भी है लाइक सैंडविच सबसे भारी तो मुझे पानीपुरी आइसक्रीम लगी और जो पानीपुरी का जो आइसक्रीम में जो आइसक्रीम डालते हैं उसके अंदर प्लस मसाला भी है लाइक पूरा पानीपुरी वाला टेस्ट है गाइस
अगर आपको देखना है तो मेरे दोस्त का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर विजिट करो और देखो। और अभी आगे क्या खाएंगे वो मुझे भी नहीं पता, आगे मिलते हैं। तो भाई ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जो मैं मुलुंड में शूट कर रहा हूँ। मैंने जो सबसे पहले वीडियो है वो मैंने मुलुंड में शूट किया था, और यहाँ पे भीड़ इतनी है, यहाँ पे भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है यार, मिलता हूँ आगे। तो भाई सब लोग, हम लोग चाय पीने के लिए रुके, रखा ही नहीं। ओ नहीं, वो टू पे, वो टू पे सर, सर सर मैं चाय हॉलिक नहीं हूँ, अगर आप हमको भी ले लो तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं चाय हॉलिक नहीं हूँ, बट दिन में एक बार पीता हूँ। पीने के बाद आगे जाएंगे, आगे मिलेंगे। और ये भाई लोग की शॉप है, सो अगर आओगे तो मैं इसका भी एड्रेस दे दूंगा, तो भाई लोग से मिल के जाना। तो गाइस जो शॉप पे रुका हूँ मैं वो श्रीमंत है, और जो ये शॉप है ये दो भाइयों की है। भाई आपका नाम? गणेश। आपका नाम? चैतन्य। और सो ये जो शॉप है गणेश और चेतन भाई की है, और बेसिकली जो इसका ना चाय पी के चाना, चाय बहुत अच्छी है। और मैं ये फर्स्ट शॉप चाय की ऐसी देख रहा हूँ जो एकदम मस्त यूनिक कुछ दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अभी मैं अंदर हूँ शॉप के, सो आओ तो जरूर विजिट करना, भाई से जरूर मिलना। और दोनों भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अगर आपने नहीं किया लॉबी कर देना। मैंने फोर्स नहीं किया, आप भाई से पूछ सकते हो, भाई मैंने सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स किया आपको। भाइयों ने खुद किया, अगर आपने नहीं किया लॉबी कर सकते हो। मिलते अभी आगे, एंड करेंगे बिकॉज अभी मुझे जाना है गरबा खेलने, जो कि मुझे पासिस मिले कालिदास की। अभी मैं बुलुंड से विक्रोली आया, अभी मुझे फिर से विक्रोली नहीं, विक्रोली से मुलुंड जाना है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे जाके गरबा खेलेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैंने वहाँ